सो फ्रेंड्स, ये हमारा पिज्जा जो है डिलीशियस पिज्जा बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है, रेडी है कुकिंग के लिए। आप अपने रेसिपी के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन पिज्जा जो है एकदम परफेक्ट जो है इसके अंदर बन के बाहर आया है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेफ शॉप में। मैं राजेंद्र, एग्जीक्यूटिव शेफ शेफ शॉप का, आज आपको बताने जा रहा हूँ वन डेक टू ट्रे स्टोन बेस गैस पिज्जा ओवन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पूरी फंक्शनिंग आपको दिखाऊंगा, इसकी कंजप्शन आपको दिखाऊंगा, और इसमें वेरिएंट कौन कौन से वो दिखाऊंगा, और इसमें क्या क्या चीज बना सकते हैं वो भी आप आज देखने वाले। तो दोस्तों, ये है हमारा वन डेक टू ट्रे गैस पिज्जा ओवन। अब मैं आपको इसकी जो है अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने इसकी सील उतार दी, अब मैं इसको जो है आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं इसकी जो है कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा, इंस्टॉलेशन करके आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं इसका आपको जो बैक एरिया वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो सॉकेट हैं, एक सॉकेट इलेक्ट्रिक है और एक गैस का है। तो ये लो गैस बर्नर जो है इसमें यूज होते हैं, तो हमें जो है नॉर्मली जो लो गैस होती है वही इसमें यूज करनी है। इसको सिंपली जो है ऐसे प्लग इन कर लेना है, इस तरह से इसको टाइट कर लेना है, और जो इलेक्ट्रिक वाला जो सॉकेट है उसको जो है यहाँ पे हम तो कर देंगे, और ये इलेक्ट्रिक सॉकेट पे जो है कनेक्टेड है। ये डोमेस्टिक हम डेमो पर्पज से यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो इसमें यूज होगा वो कमर्शियल सिलेंडर और लो प्रेशर रेगुलेटर यूज होगा। तो दोस्तों, आप देख चुके हैं इसके कनेक्शन कैसे हुए हैं, कैसे मैंने इसका कनेक्शन किया है। अब हम इसका मेजरिंग करके दिखाते हैं, इसका मेजरमेंट देख लेते हैं, जो बाहर का साइज है और जो इनर का साइज है, तो दोनों आप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ की बात कर लेता हूँ। इसकी लेंथ मैं नापने जा रहा हूँ, जो इसकी लंबाई होगी वो होगी 52 इंची। जो इसकी बाहर की गहराई है वो है 35 इंच। फ्रेंड, जो इसकी ऊंचाई है, हाइट जो है इसकी बाहर की, वो है 24 इंच। दोस्तों, आपने इसके जो बाहर का मेजरमेंट है वो देख चुके हो। अब मैं आपको इसका अंदर का जो इनर का जो मेजरमेंट है वो आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, जो इसकी अंदर की लंबाई है वो है 34 इंच, जो इसकी गहराई है वो है 25 इंच। अब इसके जो अंदर की हाइट है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जो अंदर की हाइट है वो है 9 इंच। तो चलो दोस्तों, अब हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि ये किस तरह से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो है डबल ट्रे, यानी दो स्टोन यहाँ पे लगे हुए हैं इस ओवन के अंदर। तो ये स्टोन बेस गैस पिज्जा ओवन है। तो दोस्तों, ये इसका कंट्रोल पैनल है और इसी से पूरे मशीन जो है कंट्रोल होती है। इसमें दो तरह के जो है कंट्रोल पैनल लगे हुए हैं, एक अपर बर्नर के लिए, एक डाउन बर्नर के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कि ये ऑन कैसे होता है। तो मैंने ओवन ऑन कर लिया, अब आप यहाँ पे भी देखेंगे कि ये कैसे ऑटो इग्निशन इसमें काम करता है। सिंपली स्विच ऑन करेंगे, ये ऊपर वाले बर्नर का है और ये जो है नीचे वाले बर्नर का है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप कुकिंग करते समय कुछ बना रहे हैं तो अंदर की जो है आप लाइट ऑन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लाइट ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इसके अंदर जो है लाइटिंग का पूरा फंक्शन होता है। तो सिंपली जो है अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी इसकी ऑन हो चुकी है, अब मैं गैस ऑन करने जा रहा हूँ। जैसे मैं इसका ये कंट्रोल पैनल इसको घुमाऊंगा, जैसे मेरे को मान लीजिए कि पिज्जा बनाना है, तो ये देखिए जैसे मैंने इसको घुमाया और ये बर्नर जो है ऑटो इग्निशन से ऑन हो गया, ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। जो मीटर लगा हुआ है वो ऑन हो चुका है। अब जो है मैं नीचे वाला भी ऑन कर लेता हूँ बर्नर, तो जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, मेरे को 250 टेम्परेचर चाहिए, तो ये ऑन हो चुका है। नीचे वाला बर्नर यहाँ से दिख नहीं पाएगा क्योंकि वो बर्नर जो है स्टोन के नीचे होते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ पर अलार्म ऑन कर देता हूँ और इसकी टाइमिंग सेट करके रखता हूँ, तो वहां पर आने के बाद, जैसे मैंने 250 टेम्परेचर कर लिया है, वहां पे आने के बाद जो है अलार्म बज जाएगा, ये ओवन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सेटिंग कर चुका हूँ और यहाँ पर जो है मैंने 10 मिनट का जो है इसमें टाइमर लगा लिया है। 10 मिनट में ये ओवन प्री हीट हो जाएगा
पूरा टेम्परेचर ये ले लेगा। अब हम जो है इसके अंदर जो रॉ बेस होता है वो बना के आपको दिखाएंगे सबसे पहले। तो चलिए अब हम बेस तैयार कर लेते हैं, तब तक इसका जो है टेम्परेचर आ चुका होगा। तो दोस्तों ये हमारा डो जो है रेडी है, जिसके हम जो है पिज्जा का बेस बनाने जा रहे हैं। तो चलिए अभी बेस बना लेते हैं। पहले सबसे पहले बेस कैसे बनता है वो दिखा देते हैं आपको। सो फ्रेंड्स ये पिज्जा बेस जो है बिल्कुल जो है अभी मैंने ताजा ताजा बनाया मैदे से। हम इसको जो है फ्रेश जो बेस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं इसके अंदर वो आपको दिखाने वाला हूँ। ये बेस हमारा रेडी हो चुका है, इसको सिंपली जो है इस तरह से उठाना है। ये पिज्जा बेस मैंने लिया है, ये पिज्जा पील है मेरे हाथ पे, और सिंपली जो है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये 12 इंच का बेस है और इसको सिंपली ऐसे छोड़ देना है, विद इन मिनट जो है ये कुक होके रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स एक मिनट हो चुका है और मैं अपना बेस देख रहा हूँ अभी कैसा बना है। तो आप देख पा रहे होंगे बेस बिल्कुल अच्छी तरह से जो है कुक हो चुका है। ये बेस जो है हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो पिज्जा मेक लाइन है वो किस तरह से काम करता है। ये बेस जो है हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो पिज्जा मेक लाइन है वो किस तरह से काम करता है। देखिए आप कितनी ठंडी इसके अंदर सब्जियां पड़ी हुई है, बिल्कुल चिड़कर रहता है। यहाँ पर पिज्जा का जो है सारा सामान जो भी वेजिटेबल है आप एक साथ यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे कि इजी वे में आप पिज्जा बना सकें। सॉस भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये पूरी तरह चिल्लर है, पूरी तरह ठंडा जो है ये करता है। सो ये फ्रिज जो है अंडर काउंटर फ्रिज भी है, जब क्लोजिंग करते हैं तो यहाँ पे आप सामान अपना रख सकते हैं, बहुत सारा इसके अंदर स्पेस है। ये मैंने इसके अंदर सॉस रखी है, तो ये सॉस जो है यहाँ पे बिल्कुल चिल्ड हो रखी है। यहाँ पर जो है फ्रेश वेजिटेबल जैसे पिज्जा के ऊपर हम यूज करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे जो हम यूज कर सकते हैं जो भी हमें वेजिटेबल चाहिए। तो पिज्जा मेक लाइन का ये होता है कि आप इजी यहाँ पर जो है वर्क कर सकते हैं, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे अनियंस, कैप्सिकम और ब्रोकली जो भी वेजिटेबल हमें चाहिए हम यहाँ पे इजिली जो है रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने इजिली जो है विद इन मिनट में यहाँ पे जो है पिज्जा रेडी कर लिया। ये फायदा होता है मेक लाइन फ्रिज का। और ये जो है ऊपर वाला भी बिल्कुल जो है फ्रीजर है, एकदम से आपको बढ़िया से चिल करके जो है सब्जियां रखता है, लॉन्ग लाइफ जो है वेजिटेबल की हो जाती है। सो फ्रेंड्स ये पिज्जा ओवन जो है पूरी तरह प्री हीट हो चुका है। अब मैंने इसमें 6 मिनट का टाइमर डाल दिया है, तो 6 मिनट में जो है पिज्जा रेडी हो जाएगा इसके अंदर। तो चलिए मैं अब पिज्जा अंदर डालने जा रहा हूँ। इस तरह से सिंपली जो है आपको पिज्जा यहाँ पे रख देना है। अब मैं सिंपली इसके स्पेस की बात कर लेता हूँ, तो स्पेस में इसमें जो है 12 इंची के 4 पिज्जा, 8 इंची के 6 पिज्जा और 7 इंची के 8 पिज्जा एक साथ बेक हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये ओवन जो है दोनों पे जो है ऑपरेट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी और गैस, तो गैस की कंजप्शन है इसकी 1 घंटा फुल चलाने पर 650 ग्राम की होती है, जिसकी कॉस्ट हार्डली जो है 60 रुपए तक पड़ सकती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 100 वाट पे चलती है, तो लगभग लगभग 1 घंटे का जो है आपका 1 रुपए की कॉस्ट आने वाली है। तो इसमें बनी रहा है तो पिज्जा तो इजीली बनी जाता है। इसके अलावा इसमें जो है ब्राउनी, केक बेस, पास्ता बेक कर सकते हैं और भी बहुत सारी आइटम एक साथ इसमें, बेकिंग की जितनी बेकरीज आइटम होती है, कुकीज होती है, वो सब इसके अंदर बेक हो सकता है। सो फ्रेंड्स ये है सिंगल डे 2 ट्रे वाला पिज्जा ओवन। इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, आप देख पा रहे हैं पिज्जा हमारा बेक हो चुका है और इसने जो है 5 से 6 मिनट का टाइम लिया है यहाँ पे। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगा ये किस तरह से कुक हो चुका है, पूरी तरह बेक हो चुका है। आप देखिए ऊपर से बहुत ही शानदार कलर जो है आ रखा है और नीचे का आपको दिखा दे एक बार, देखिए बहुत ही डिलीशियस जो है इसके अंदर पिज्जा आप बना सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये हमारा पिज्जा जो है डिलीशियस पिज्जा बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है, रेडी है कुकिंग के लिए। आप अपने रेसिपी के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन पिज्जा जो है एकदम परफेक्ट जो है इसके अंदर बन के बाहर आया है। पिज्जा हमारा बन चुका है, पूरी तरह बेक हो चुका है, काफी डिलीशियस इसके अंदर पिज्जा हमारा बना है। अब हम इसको जो है क्लीनिंग प्रोसेस आपको बता देते हैं, इसको क्लीन कैसे करना है इजी वे में। तो सबसे पहले जो है हम इसका जो मेन जो लीड है वो ओपन कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैदे की थोड़ी सी डस्टिंग रखी है। तो इसको इजी वे में कैसे क्लीन किया जाए, तो सबसे पहले हमने जो है ओवन को कर लेना है ऑफ। और ऑफ करने का सिंपल सा तरीका, इसके जो मेन स्विच लगे हुए यहीं से इसको सीधे सीधे दोनों बर्नर हम ऑफ कर लेंगे। लाइट हमने ऑफ कर ली है, टेम्परेचर मीटर हमने ऑफ कर लिया है। 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर इसका टेम्परेचर जैसे डाउन हो जाएगा, इजीली जो है इसको क्लीन किया जा सकता है कपड़े की मदद से। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा आफ्टर 5 मिनट्स। थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसको खोल के रखा था 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो है ठंडा हो चुका है। अभी जो है सिंपली मैं कपड़ा ले रहा हूँ और जहाँ पे डस्ट लगी हुई है वहाँ पे आपको सिंपल से जो है इसको क्लीन कर देना है। गर्म में ये ओवन साफ नहीं किया जाता है, तो जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इजीली आप जो है इसको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्लीन हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल जो है ये क्लीन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज जो है हमने आपको डेमो करके दिखाया जो गैस बेकिंग पिज्जा ओवन है, सिंगल डेक डबल ट्रे वाला। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।